हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी बोनस रीडिंग है और ये 3 कार्ड रीडिंग होगी। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सजिटेरियस बोनस रीडिंग के हवाले से। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सजिटेरियस के लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई फर्दर इम्पॉर्टेंट मैसेज। ओके, सो वन मोर कार्ड आई वॉन्ट फॉर सजिटेरियस, वन मोर कार्ड फॉर सजिटेरियस। ओके, अंदर आपके पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सो सजिटेरियस, आपके लिए ये मैसेज है कि एक नया स्टार्ट है आपकी लाइफ में। मनी वाइज आप बहुत अच्छे चल सकते हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है, जिस चीज़ का आप वेट करें वो आपके पास आ सकती है। हो सकता है आप मनी के हवाले से वेट करें, अपने पैसों के हवाले से, या कोई अच्छी सिचुएशन रखना चाहते हो अपनी लाइफ में। अबंडेंट जा रहे हैं आप अपनी लाइफ की, तो वो अबंडेंट आपके पास आ रही है। एक अच्छी ऑफर मनी वाइज आपके पास, एक या तो आपको बोनस मिल सकता है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है एक्सपेंसिव, या फिर मनी वाइज आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है, सैलरी इंक्रीज, या फिर कोई बूस्ट मिल सकता है आप जो भी काम करते हैं उसमें। पर आप इनडिसाइसिव हैं किसी हवाले से, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं अपनी लाइफ की। सो न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट हो नहीं रहा, तो आपको हो सकता है इनडिसाइसिव हो रही हो अपनी लाइफ के हवाले से। वो उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या बदलाव आ रहा है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं इस वक्त। जो चीज़ें पहले चल रही थी आपकी लाइफ में वो सब ख़त्म हो रही हैं और एक नया फेज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। तो उस नए जिस नए फेज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो नया फेज़ जो है वो आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द, बट नॉट नाउ। टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से आप इंडिसाइसिव हैं। तो आपको इंडिसाइसिव नहीं रहना है अपनी लव लाइफ में। लव लाइफ में भी ये ओवरऑल सिचुएशन है, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसके हवाले से इंडिसाइसिव हो रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। बट ये चेंज है वो बेटरमेंट के लिए है, न्यू स्टार्ट है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, खुद से लानी है। तो देखते हैं कि आपके लिए वेडिंग जो है वो आपका फर्स्ट मैसेज है, एंड सेकंड मैसेज जो है वो आपका है मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक एंड वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। इट्स अ गुड कार्ड। ओके, सो हो सकता है कुछ लोग मैरिड लाइफ में एंटर हो रहे हो, और जो लोग सिंगल हैं वो लव रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। जो लोग लव कपल हैं वो अपनी वेडिंग सेरेमनी इंजॉय करें, और आपको एफर्ट करनी होगी क्योंकि आपकी लाइफ का एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। आप उस हवाले से इनडिसाइसिव ज़रूर हैं कि आप इस चैलेंज को कैसे फेस कर सकते हैं। जो भी नया चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त, उसको कैसे फेस कर सकते हैं, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो बट आप फिर भी खुश हैं कि एक नया स्टार्ट है, और आप इनडिसाइसिव भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस नए फेज के हवाले से। सो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट मैसेज के हवाले से रीडिंग सजिटेरियस। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।